केकेआर ने लखनऊ को 98 रनों से हराकर उनकी प्लेऑफ्स की उम्मीदों पे थोड़ा बहुत पानी फेर दिया है और साथ ही में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के सिनेरियो के दरवाजे थोड़े बहुत खोल के रख दिए हैं। लेकिन किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी अब क्वालिफाई कर सकती है, दोनों के लिए क्या समीकरण बैठेंगे, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त 6वें स्थान पर है पॉइंट्स टेबल पे, वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी है 7वें स्थान पे। दोनों ही टीम्स ने अगर पिछले मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स अपना पिछला मैच हारी है और आरसीबी अपना पिछला मैच जीती है, बल्कि आरसीबी तो बैक टू बैक अपने पिछले तीनों के तीनों मैचेस जीती है। सबसे पहले अगर आरसीबी के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के सिनेरियो की बात करें तो वो आपको जरा तसल्ली से समझा देते हैं। पहली बात तो ये है कि आरसीबी को अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने हैं, उनके तीन मैचेस बचे हैं, उन्हें तीन के तीन मैचेस जीतने हैं, जिसकी वजह से वो 14 पॉइंट्स तक पहुंच पाएंगे और साथ ही में उनको नेट रन रेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि नेट रन रेट पे आरसीबी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था जब वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले थे। जब जीटी के खिलाफ आरसीबी खेली थी तो सिर्फ 13.4 ओवर्स में वो चेस कर लिया था टारगेट, और साथ ही में उससे पहला वाला मैच जब आरसीबी और जीटी अहमदाबाद में भिड़ी थी तब भी आरसीबी की टीम ने 16 ओवर में टारगेट चेस किया था, जिसकी वजह से उनकी नेट रन रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई थी। कुछ दिनों पहले तक आरसीबी 10वें स्थान पर थी और नेट रन रेट इंप्रूव करने के कारण वो 7वीं पोजीशन पे आ गए थे। अब इसी तरह उन्हें अपने बचे हुए मैचेस भी जीतने हैं, साथ ही में अपनी नेट रन रेट को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। लेकिन ये काफी नहीं है, इसके अलावा उन्हें बाकी टीम्स पे भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब कौन सी टीम पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, ये है बड़ी बात। देखो, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों टीम्स के 16 पॉइंट्स हो चुके हैं, लगभग क्वालिफिकेशन उनकी पक्की हो ही गई है। बचे दो स्पॉट्स जिसके लिए बहुत सारी टीमें लड़ रही हैं। अब जो टीमें लड़ रही हैं उनका क्या सिनेरियो रहना चाहिए अगर आरसीबी को प्लेऑफ्स में पहुंचना है, ये आपको जरा समझा देते हैं। पहले बात करते हैं एसआरएच की। एसआरएच के बचे हैं यहाँ से 4 मैचेस। अब उनको यहाँ पे एक मैच जीतना होगा और 3 मैच हारने पड़ेंगे, जिससे वो सिर्फ 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनको अपने बचे हुए मैचेस में से एक मैच जीतना होगा और 2 मैच हारने होंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन्हें 2 मैच जीतने होंगे और 1 मैच हारना होगा। और आखिरी में बात आती है सीएसके की, तो सीएसके को 1 मैच जीतना होगा और 2 मैच हारने होंगे। अब इससे होगा क्या, ये चारों की चारों टीमें सिर्फ 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन अब गेम आता है नेट रन रेट का। यहाँ पे आरसीबी को अपनी नेट रन रेट भी इंप्रूव करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने सारे मैचेस जीतने तो है ही, साथ ही में नेट रन रेट पे भी ध्यान देना है और बाकी टीम्स की नेट रन रेट पे भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वहां पे आरसीबी थोड़ा एडवांटेज में रहे। लेकिन ये पूरा सिनेरियो है कि यहाँ पे बाकी टीम्स को कौन कौन से मैचेस हारने हैं और कितने मैचेस उनके जीतने से आरसीबी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये था आरसीबी का सिनेरियो, तो मतलब आरसीबी 14 पॉइंट्स के साथ अभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ये बात रही आरसीबी की। लेकिन अब आ जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे। दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है क्योंकि उनके 3 मैचेस बचे हैं, इस वक्त वो 10 पॉइंट्स पे हैं और 3 मैचेस जीतते हैं तो वो आ जाएंगे 16 पॉइंट्स पे। मतलब सीधी सीधी बात है कि दिल्ली कैपिटल्स को अपने बचे हुए तीनों के तीनों मैचेस जीतने होंगे। ये तो है सिंपल फॉर्मूला, जिसमें नेट रन रेट भी उन्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा होता है कि आईपीएल के एंड में आपको थोड़ा नेट रन रेट पे ध्यान देना पड़ता है प्लेऑफ्स से पहले, कि भाई प्लेऑफ्स में आप थोड़ा सा इजीली क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 टीमें सेम पॉइंट्स में खत्म करती है। तो दिल्ली कैपिटल्स को वह 16 पॉइंट्स पे तो पहुंचना ही है, साथ ही में नेट रन रेट पे भी ध्यान देना है। अब बाकी टीमें उनकी किस्मत कैसे डिसाइड करेगी, ये आपको जरा समझा देते हैं। पहले अगर बात करें सीएसके की, अब सीएसके को अपने बचे हुए मैचेस में से एक मैच जीतना है, 2 मैच हारने हैं। एसआरएच को अपने बचे हुए मैचेस में से एक मैच जीतना है और 3 मैच हारने हैं। और वही लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन्हें अपने बचे हुए मैचेस में से एक मैच जीतना है और 2 मैच हारने हैं, जिसके बाद होगा क्या कि ये सारी की सारी टीम 14 पॉइंट्स पे रह जाएगी और दिल्ली कैपिटल्स फेयरली 16 पॉइंट्स पे आके इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। बाय द वे, ये दोनों ही टीम्स के बेस्ट केस सिनेरियोस हैं, कि यही बेस्ट केस सिनेरियो है कि जिसके कारण ये क्वालिफाई कर सकते हैं। आरसीबी का अलग से आपको बताया, दिल्ली कैपिटल्स का आपको अलग से बताया। हालांकि बाकी टीम्स की बात करें, दावेदारी पूरी तरह से पेश कर रहे हैं। इवन अगर सीएसके की बात करें, वहाँ पे एसआरएच की बात करें, एलएसजी की बात करें, एज अ टीम एज अ यूनिट उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। देखिए, ये सिनेरियोज मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स या आरसीबी अभी भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी?
अपनी प्रिडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।